हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और ऐसा कोई नहीं होगा जो लैपटॉप का यूज़ करता ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कीबोर्ड के लेटर्स ABCD फॉर्मेट में ना होकर क्वेरटी फॉर्मेट में ही क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन जानने की कोशिश नहीं की होगी, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। आप टाइप करते हैं और जल्दी से कीबोर्ड के कुछ बटन आपकी सारी बात को लिखते चले जाते हैं। कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर ये बटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते हैं? अभी जितने भी लैपटॉप कीबोर्ड या आपके स्मार्टफोन का कीबोर्ड है वो क्वेरटी फॉर्मेट में ही क्यों होते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले कीबोर्ड ABCD फॉर्मेट में था। इस स्टाइल को क्रिस्टोफर सोल्स ने बनाया था, लेकिन फिर इसे टाइप करने में वो स्पीड और सुविधा नहीं मिलती थी जैसे कि आज मिलती है। कई लोगों ने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो सफल मॉडल सामने आया वो था क्वेरटी मॉडल। इसे लिखने में आसानी होती थी और स्पीड भी बनी रहती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले क्रिस्टोफर सोल्स का क्वेरटी कीबोर्ड वाला टाइपराइटर आया, लेकिन कीबोर्ड वाले टाइपराइटर में लिखना थोड़ा मुश्किल होता था। इसका कारण है कि कीज के बीच में उतना स्पेस नहीं रहता था जितना आज के समय में है। उस टाइम टाइपराइटर की कीज भी मोटी और उठी हुई रहती थी, जिसकी वजह से जल्दी टाइप करना नामुमकिन था। इसके बाद बहुत सारे डिजाइनरों ने इसमें कुछ बदलाव करने की सोची, फिर सामने आया ABCD फॉर्मेट वाला कीबोर्ड। क्वेरटी से पहले ABCD वाले कीबोर्ड हुआ करते थे, लेकिन वो देखने में थोड़े अजीब लगते थे। कुछ समय बीतने के बाद डेवोरेक मॉडल भी आया, जो अल्फाबेटिकल तो नहीं था लेकिन इतना सुविधाजनक भी नहीं था। कुछ समय बाद क्वेरटी कीबोर्ड सामने आया और इसमें टाइपिंग स्पीड बेहतर और आसान हो गई थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर का कीबोर्ड बाकी सबसे बेहतर होता है और उसकी कीज एक दूसरे से अच्छी दूरी पर होती है, इसलिए आप बिना रुकावट से आसानी से टाइप कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में पिछले कुछ समय से काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन आज के समय में क्वेरटी बॉडी सक्सेसफुल है। ये फर्क आपको पुराना सिस्टम और मैकबुक जैसे लैपटॉप में देखने को मिलेंगे। आज हम सभी आसानी से और तेज स्पीड में टाइपिंग कर पाते हैं, इसका सही शोधकर्ताओं को जाता है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि कीबोर्ड में लेटर होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, जिससे दूसरों को भी ये बात पता चले। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू।